नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जितनी भी महिलाएं सब चाहती हैं कि वो स्वच्छ रहे, मतलब कि वो हाइजीन रहे, ठीक है। और हाइजीन रहने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डेली नहाना होता है और आपको बिल्कुल साफ फ्रेश जो है अंडरगारमेंट्स पहनने होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो कि आपको हाइजीन रखने में हेल्प करें, जैसे कि आपका इंटीमेट वॉश हो गया जो कि सभी को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि आपको हाइजीन रखने में हेल्प करता है, वो है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला के लिए भी बात करूँगी और जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके लिए भी बात करूँगी, मतलब कि जितनी भी दुनिया में महिलाएं हैं जो मेरा वीडियो देख रही हैं उन सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो कई बार होता है हम बाहर जाते हैं, कई बार हमें वॉशरूम जाना होता है और वहाँ पे ज़्यादा सुख सुविधा नहीं होती, कई बार गंदा भी होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको बस एक वाइप लेना है और अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से इससे साफ़ कर लेना है, यानी जो भी कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर होंगे और जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपको फीलिंग भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इससे आप साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब पीरियड होता है तो हम मान लीजिए कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर हम घर में ही हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैड चेंज कर लेते हैं तो कुछ ब्लड जो है वहीं पर लगे रह जाते हैं, जो कि हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको जो है इन्फेक्शन हो सकता है और आपको फीलिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो आप इसे बहुत ही आसानी से जो है जो भी ब्लड वहाँ पे रह गया है जो साफ़ नहीं हो पाया उससे ही बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा, देन आप अपना पैड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए घर में है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपका। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं या फिर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी को पसीना आता है और पसीने की वजह से बदबू भी हो जाती है और अनकंफर्टेबल भी होता है, खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, आप इंटीमेट वॉश से तो क्लीन करते ही हैं, मान लीजिए आप बाहर गए हैं या फिर आप घर में ही हैं तो बार बार आप वॉश तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं और ख़ासतौर से आप बाहर गए हैं, तो आप इससे जो अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी बदबू है पसीने की या फिर आपका जो भी बैक्टीरिया पसीने की वजह से इकट्ठा हो गया है वो सब इससे क्लीन हो जाएगा और आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप जिम वगैरह जाते हैं तब भी पसीना हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पसीना को इकट्ठा नहीं होने देना, मतलब पसीना आता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि बाद में प्रॉब्लम होगा, यानी कि जब पसीना आता है उसके बाद ही आप उसे तुरंत यूज़ कीजिए, तो आपको जो बैक्टीरिया से, खुजली से और इन्फेक्शन वगैरह से राहत मिलेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टॉयलेट पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉयलेट पेपर ना रूखा होता है, मुलायम नहीं होता है और वो ऐसा होता है कि आप उसे बार बार यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है उससे आपको रैशेस हो सकते हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, उस समय अगर आप बार बार किसी टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है और इसके अलावा जो है बार बार यूरिन आता है, तो नॉर्मल सी बात है कि बैक्टीरिया तो इकट्ठा होता ही है, अनहाइजीन तो होता ही है, तो नॉर्मल सी बात है आपको अपने प्राइवेट एरिया को हाइजीन रखना है, तो बार बार आप यूरिन जाते हैं तो इससे आप साफ़ कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए अगर आपको इन्फेक्शन भी हो गया है, ठीक है, तो आप उस समय भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्फेक्शन जिनको हो जाता है उन्हें तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है साफ़ सफाई रखने की, तो अगर आपको इन्फेक्शन भी हो गया तब भी आप इसका जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ासतौर से जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना बहुत ही खतरनाक है, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो मान लीजिए अगर आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया तो आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, ताकि आप निश्चित हो जाएं कि हाँ, मैं मुझे कोई भी कीटाणु या फिर मुझे कोई बैक्टीरिया नहीं लगेगा और मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल तो हम करें लेकिन क्यों करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, पीएच लेवल को बैलेंस्ड करता है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, पैराबिन फ्री है, एल्कोहल फ्री है, तो इसके अलावा जो है ये हाइपो एलर्जेनिक है, तो मतलब इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कब कब यूज़ करना चाहिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, आफ्टर वर्कआउट, ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर यूरिनेशन यानी कि यूरिन पास करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैनेजिंग डिस्चार्ज, यानी कि जो आपका म्यूक्स निकलता है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, उस समय यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा लिखा हुआ है कि एनी टाइम फॉर ए फ्रेश फीलिंग, ठीक है, यानी कि जब भी आपको लगे कि आपको फ्रेश होना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी खास बात ये है इसकी कि ये बिल्कुल 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा इससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया गया है। जो भी तत्व है नेचुरल तत्व है, ताकि आपको जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उसमें लिखा हुआ है कि आपको पता है कि इंटीमेट डिस्कम्फर्ट क्यों हो जाता है या फिर इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं या फिर आप टाइट कपड़े पहनते हैं पीरियड्स के दौरान, और बहुत सारे लोग जो हैं केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रेगुलर टिश्यूज होते हैं यानी कि जो टॉयलेट पेपर्स होते हैं जिसका आप नॉर्मल डेली वेज पे इस्तेमाल करते हैं, जो आपका सेंसिटिव इंटीमेट एरिया होता है यानी कि आपका जो प्राइवेट एरिया होता है उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, बहुत हार्श होता है, रैशेस कर सकता है, इसके अलावा और भी परेशानियाँ इकट्ठी कर सकता है, तो आपको जो है इसलिए इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। दोस्तों एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, ये अल्कोहल फ्री है, SLS फ्री है, पैराबेंस फ्री है, इसलिए आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए या फिर हाइजीन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है वो सब भी लिखा हुआ है, तो आप जब मंगवाइएगा तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो भी है नेचुरल चीज़ें हैं, इसका जो रेट है वो 149 रुपये यानी कि 149 रुपीज़ है, और इसमें आपको 15 वाइप्स मिल जाएंगे। और आपको यूज़ कैसे करना है बहुत ही सिंपल है, आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस टाइप के पैकिंग में आता है, ये आपका छोटा सा पर्स हो, बड़ा बैग हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसमें आराम से एक दो तो रख ही सकते हैं। आप आस पास कहीं जा रहे हैं, एक दो दिन के लिए जा रहे हो, तो आप आराम से अपने बैग में रख सकते हो। मैं चलिए आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ओपन करना है आपको, और ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी, ऐसा भी नहीं कि हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसी खुशबू माइल्ड खुशबू है, ऐसी खुशबू है जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये, तो आपको इसे यही करना है, इसे अच्छे से जो है ओपन कर लेना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से ये गीला गीला सा लग रहा है, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसे साफ़ करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीछे से साफ़ करते हुए आगे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ से आप पोट्री करते हैं वो एरिया हो गया, आपका वजाइना एरिया हो गया, हम क्या करते हैं ऐसे साफ़ करते हैं, पीछे से आगे की ओर साफ़ करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है तो पीछे की जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपके वजाइना एरिया में आ सकते हैं। इसलिए तो आप जब भी क्लीन करें, ठीक है, तो आपको कैसे क्लीन करना है, आगे से पीछे की ओर इसे लीजिए, आगे से साफ करते हुए पीछे की तरफ जाइए, ठीक है, और इसको मोड़ के हटा लीजिए, तो जो भी कीटाणु गंदगी है सब हट जाएंगे। तो इसे यूज़ करने के बाद जो है मुझे हाथों में बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। अगर आप इसे इंटीमेट एरिया साफ करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ख़ासतौर से गर्मियों के मौसम में। और ये देखिए इसका पूरा पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं, नंबर भी दिया गया हुआ है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप लेंगे कैसे, इस प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जहां आप कमेंट करने जाते हैं कमेंट में सबसे ऊपर मैं पिन कर दूंगी, तो कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इस प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके आप इसे खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, आपके घर पे लाके पहुँचा देंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से मिल जाएगा आपको। एंड आई थिंक कि आपको इसे यूज़ करने के बाद अच्छा ज़रूर लगेगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसे यूज़ करने के बाद कैसा लगा। बाकी दोस्तों इतना ही कहना था, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना था, एंड आई थिंक कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।